see on my Facebook. Like, अस्सलाम वालेकुम जी, मैं ज़ुबैर फारूक एक मतलब फिर आपको अपने चैनल पे वेलकम खुश आमदीद और जी आनो करता हूँ। तो अभी मैं आज मौजूद हूँ अपनी सोसाइटी में, वहाँ पे एक बनने वाला है प्लाजा और वहाँ पे उसके जो है वो डिगिंग कर रहे हैं और डिगिंग करके वहाँ पे जो है वो बोर करेंगे। वो हर चीज़ आपको दिखाएंगे, एक पूरा प्रोसेस है ये, किस तरह सिविल का प्रोसेस होता है। तो सिविल इंजीनियर तैयार हो जाएँ, आपको मेरी इस वीडियो में देखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है वो रश लगा हुआ है और वहाँ पर काम चल रहा है, तो हर बंदा जो है मौजूद है और वहाँ पे काम कर। ये देखें, ये हंस रहे हैं और आप ये देखें, ये मशीन भी पड़ी हुई है जिससे वो है देखते हैं और सीधा करते हैं स्ट्रेट, मतलब देखते हैं कोई पॉइंट जो है ना इसके मेजर करते हैं। आप गौर से देखें, आपको कोई नज़र आ रही है इसमें, तो चलें आपको दिखाते हैं कि डीलिंग करने के बाद ये अंदर जो है इसको किस तरह बोरिंग करेंगे और उसमें स्टील डालेंगे और केज बना के जो बनाए हुए हैं वो बीच में डालेंगे। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है होल्स, उसके बाद जो है वो इस प्रोसेस को देखेंगे। इस प्रोसेस को लीड कर रहे हैं यहाँ पे साइट इंजीनियर जो है गुलाम मुर्तजा साहब, उनका नाम है। वो यहाँ पे जो है इस पूरे प्रोग्राम को लीड कर रहे हैं, तो हम उनको भी इसमें इन्वॉल्व रखेंगे। आप देख सकते हैं डिगिंग स्टार्ट हो चुकी है और ये जो है ये बोरिंग ये बोर करेंगे। आप देखें तो बारिश में जो है उसके बाद ज़मीन काफ़ी हो चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सर जी क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। सर तबीयत कैसी है? अल्लाह का बड़ा एहसान है आपसे। अल्हम्दुलिल्लाह सर। धूप में कैसे काम कर लेते हैं आप? मजदूरी है ना सर, करने जो है। अच्छा 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 सर, गुलाम मुर्तजा साहब मुझे बताएं ये क्या कर रहे हैं, थोड़ा हमें समझाएंगे हमारे व्यूअर्स को? ये सब रेजिडेंशियल प्लाजा बना रहा है, उसके लिए टेस्ट पायल है। टेस्ट पायल है। अच्छा, ये डिगिंग किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ये जो डिगिंग हो रही है ये किस डिगिंग हो रही है? उसके लिए हमें लैंडर पाइप लगाएंगे, स्टैंड पाइप, उसके ऊपर आपको एक मशीन है, उसके ऊपर मशीन सेट करेंगे, रिवर्स रूट भी उसको कहते हैं, उसके साथ मुझे बोर करेंगे और उसकी 51 मीटर पायल है, बोर है, उसके ऊपर हम उसका लोड टेस्ट करेंगे एक माह के बाद। अच्छा, माह को टेस्टिंग वेट इसके ऊपर हम डालेंगे 1000 टन, ऊपर चार डाल कर चेक करेंगे कि पायल हमारी सेटलमेंट तो नहीं होती, उसके लिए हम इसके टेस्ट लगा देंगे। अच्छा सर, जब आप रोटरी से इसको निकालेंगे सारे करने के बाद, आप जो 5 आपके स्टील के बने हुए हैं वो सारे इसी में जाएंगे? सर भी इसी में जाएंगे। 31 मीटर तभी पूरा होगा ना? 51 मीटर के पूरे 51.6 मीटर के हैं माशाल्लाह। ओवरलैप हो गई हर पायल के साथ, पायल का जो ना अच्छा 1.5 मीटर का ओवरलैप होता है। अच्छा 1.5 मीटर का ओवरलैप भी होता है। ओवरलैप 7 लाख के टोटल के साथ वेल्ड होकर पूरे उसमें लोरिंग करेंगे। लोरिंग करने के बाद ये 7 बेंटोनाइट पड़ी हुई है। ये क्या? ये बेंटोनाइट ये क्या करती है? होती है बाहर से मिट्टी। अच्छा 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 बेंटोनाइट ऐसे अंदर डालते हैं तो ये इसको पॉलिश करती है, इसको कलैप्स नहीं होने देती। अच्छा अच्छा अच्छा। माल को अंदर स्टेटा और चेक कराती है। सही। तो आप सुन रहे थे गुलाम मुर्तजा साहब जो है वो आपको बता रहे थे कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट पाइप के लिए 51 मीटर के लिए ये बोर करेंगे और उसके अंदर जो है ये 5 जो है इन्होंने बनाए हुए हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाए भी थे, हाथ में इनके जो है वो फीते शीते मौजूद हैं। तो अपडेट करते रहेंगे आपको साथ साथ, काम हमारा जारी और सारी है। ये देखें वो ऐसे घुमा रहे हैं भाई जान, ये देखें ये गोल दायरा बना रहे हैं, इसका मतलब इस गोल दायरे में जो होगा सारा इसी में होना है। अब सारी गेम अब इस गोल दायरे में स्टार्ट होने वाली है। आप देख सकते हैं ये सर्कल बना दिया है। अब जो है यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, ये वाला पाइप उठाएंगे और इसके ऊपर रखेंगे, इस गोल दायरे के ऊपर रख के इसको प्रेस करेंगे, ये अंदर जाते रहेंगे। इस तरह के और भी बड़े सारे पाइप है, तो वो क्रेन जो है इस वक्त फुल मूड में है और आप ये देखें मट्टी कितनी निकाली हुई है यहाँ पे। जे जी आप उठा रहे हैं इसको, हम थोड़ा साइड पे हो जाते हैं क्योंकि साइड पे होना ही हमारे हक में बेहतर है। ओ मेरे खुदाया, सिविल वर्क तो फिर ऐसे ही होते हैं। Thank you.
मजे की बात ये देखें वो स्क्रीन से जो है ना वो प्रॉपर उस जगह पे रख नहीं हो पा रहा, इसलिए जो है ना वो कह रहे हैं कि इसको सरिया डाल के इसको ठीक करते हैं। ये देखें ये सरिया डाल के इसको कह रहे हैं कि सरिया या क्या ये स्टील शीट है। और ये बम हमारे ऊपर अभी तक मौजूद है, ये देखिए आप। ओह माय गॉड, मेजरमेंट को ठीक करने का देसी तरीका आप देख रहे हैं कि किस तरह जो है वो डॉट डाल के उसको बिल्कुल अपने एग्जैक्ट प्लेस पे लेके आया जा रहा है। तो ये जो है बोरिंग वाला पहला स्टफ जो भी है ये अपनी जगह पे पहले आ चुका है। ये कल जो है यहाँ पे पूरा एक सेटअप बनाया था, तो यहाँ पे देखिए इर्द गिर्द जो है मट्टी डाल दिया है और मट्टी डाल के ये जो है डिक था इसको इन्होंने कंप्लीट कर दिया है, मट्टी रखी। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि इन्होंने ये दीवार भी उधर से तोड़ दी है। तो ये देखें ये दीवार तोड़ के इसके अंदर से पाइप डाला और पाइप ये चला गया बाहर की तरफ। तो क्रेन हमारे बिल्कुल ऊपर सर पर मौजूद है और दीवार तोड़ दी है। ये देखे ये जो है बुमेज फायर ग्रुप का जो है ये रूलर रोड रूलर मौजूद है, इसको यहाँ से हटाना है क्योंकि वहाँ पे क्रेन लगी हुई है और क्रेन जो है उसको अपना काम अभी उसका चल रहा है। तो वहाँ पे जो है वो मट्टी साइडों पे लगा रही है, आप देख रहे हैं कि वो मट्टी सीधी कर रही है और बोरिंग वहाँ पे होनी है, वहाँ पे मशीन खड़ी करनी है, इधर से पानी निकाल रहे हैं सारा। ये देखे ये नीचे पानी मौजूद है जो सारा पानी निकाल रहे हैं। तो अब हुआ क्या है कि ये जो है ना रोड रूलर खड़ा हुआ है, इसका ये वाला इसकी जो है ना वो बैटरी जो है वो बड़ी बड़ी हो गई है थोड़ी सी डेड किस्म की ना, तो इसलिए ये तो नई बैटरी ला के लगाई है इसको ताकि जो है इसको स्टार्ट किया जा सके, तो वो भी काम नहीं कर रही अभी जो है। इसके लिए बैटरी एक और लेके आई गई है गाड़ी के ऊपर, तो बैटरियाँ जो है वो उस गाड़ी पर आई हैं, वो खड़ी है गाड़ी उस पर आ गई हैं बैटरियाँ, बैटरियाँ उतारी जाएंगी बल्कि उसी की निकाली जाएगी। चलें वक्ती तौर पे इसको स्टार्ट करना है, इसकी जगह बदलनी है, उसके बाद फिर इसको खड़ा कर देना है। इसकी एक बैटरी इधर मौजूद है और एक बैटरी उधर मौजूद है। इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है इसका, तो इंशाल्लाह कामयाब होगी। हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही प्यारे अरशद भाई मौजूद हैं, जो है मैकेनिक है, वो वॉल्वो के जो है मैकेनिक है, और कह रहे हैं कि वॉल्वो का काम वो इस तरह करते हैं जैसे साइकिल नहीं कोई बंदा खोल लेता, तो इस तरह जो है वो करते हैं। मैंने आपको कहा था ना कि बैटरी से जो है वो काम मिलता है, तो दो बैटरियां काम नहीं की और वो जो बैटरी गाड़ी से निकाली है चलती रवा थी उसने काम कर दिया, रोलर स्टार्ट हो चुका है मतलब रोड रूलर। ओह माय गॉड, ये देखें अभी जो है ये चलने वाला है। ये जो है इसको बंद कर दिया और ये जा रहा है अपनी जगह बदलने के लिए, ये बिल्कुल तैयार है। बैटरी को वहां पे फिट किया जा रहा है, बैटरी एक ही बैटरी है तो हो गई है फिट, इसके बाद ये यहाँ से मूव ऑन करेगा और हम फिर बैटरी वापस निकाल लेंगे। समझ ले बात को, चेकअप कर रहे हैं चेकअप कर रहे हैं और वहां पर बिल्कुल बैटरी है निकलने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये जो है ना इस वक्त नंबर यहाँ पे इन्होंने रख दिया टायर और अब इसको जो है वो यहाँ से लेके जा रहे हैं और मूव ऑन करवा रहे हैं। जो है वो हमारे बिल्कुल आगे आगे जा रहा है और आप देख सकते हैं हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, तो अभी हम लोग जो है रोड के ऊपर हो जाएंगे
और जो रूलर जो है वो वहाँ पे मौजूद है। तो आप ये देखिए उसका रास्ता, ओ लाइट भी चल रही है इसकी भाई, कितनी प्यारी लाइट है ये देखिए। अच्छा यहाँ पे ना आगे टायर रखे जाएंगे इसके, और टायर रख के तो जाया जाएगा ताकि जो है वो वायर का कोई नुकसान ना हो। उसके बाद ये यहाँ से कच्चे से नीचे उतरेगा और वहाँ पे आगे जाएगा, क्योंकि रोड पे ये बिल्कुल नहीं जा सकता। तो चलिए अब